हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया चारों में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बेहतरीन होंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ, आज के वीडियो में मैं आपको घुमाने वाली हूँ माँ चंद्रिका देवी का मंदिर, जो कि लखनऊ में स्थित है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरी जानकारी दूंगी। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर के बेहद करीब और यहाँ से कुछ ही मीटर पर मात्र मंदिर है और यहीं से प्रसाद की दुकानें लगना स्टार्ट हो गई हैं। और मैंने ये डिसाइड किया था कि सबसे पहले मैं माता रानी का दर्शन करूंगी, उसके बाद ही पूरा मंदिर घूमूंगी। तो वीडियो में भी मैं सबसे पहले आपको माता रानी का दर्शन कराऊंगी, उसके बाद ही पूरा परिसर घुमाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे आगे आ गई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होगी और आगे से मुझे दर्शन नहीं मिलेंगे, इसलिए मुझे पीछे लाइन में लग कर आना पड़ा। आप भीड़ का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। 300 से 400 लोग यहाँ पर रेलिंग पे लगे हुए हैं, जिगजैग रेलिंग के पास में, और वहीं पीछे से मुझे आना पड़ा। तो मैं सबसे आगे इस टाइम खड़ी हूँ और मुझे वहाँ पर किसी ने बताया आपको प्रसाद लेकर पीछे से आना है। तो मैं चली गई थी वापस प्रसाद लेने, और वापस जाते जाते मेरी नज़र पड़ी यहाँ के दुकानों पर। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत दुकानें हैं, बच्चों के बहुत ज़्यादा आइटम थे, ऐसा कोई भी खिलौना नहीं था जो वहाँ पर मैंने ना देखा हो। और ये मैं पीछे वाली गली होते हुए जा रही हूँ मंदिर के पीछे से, ताकि मैं लाइन में लग सकूं। और यहाँ मैं आ गई थी प्रसाद लेने। मैंने यहाँ पर प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद जैसे सभी लोग लाइन में लगे हैं, मैं भी लग गई, और लाइन में धीरे धीरे खिसकते खिसकते मैं इतना आगे आ गई कि अब मैं मेन एंट्री पर प्रवेश कर रही हूँ, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है, यहाँ पर आप जो भी मांगेंगे वो ज़रूर पूरा होगा, इसलिए एक बार इस मंदिर में ज़रूर जाइएगा। माता रानी सभी की सुनती हैं, मैं भी यहाँ पर दर्शन करने आई हूँ, और भीड़ देख सकते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना बताया जाता है, और मान्यता यह है इसका संबंध द्वापर युग से भी है। तो एक बार यहाँ पर विजिट ज़रूर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। माता रानी थोड़ी सी ऊंचाई पर बैठी हैं, लगभग 125 मीटर की ऊंचाई पर, इसलिए भक्त जनों को थोड़ा सा ऊपर भी चढ़ना पड़ता है माता रानी के दर्शन के लिए। और मैं भी चढ़ रही हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ हम लोग आ गए हैं माता रानी के मुख्य द्वार पर, और आप सभी हाथ जोड़कर दर्शन कर सकते हैं और जो भी मनोकामना है मांग सकते हैं, माता रानी आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। फ्रेंड्स, अब मैंने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, और दर्शन करने के बाद मैं यहाँ पिछले गेट से बाहर आ गई हूँ, और बाहर आकर के लोग देख सकते हैं चुन्नियाँ बांध रहे हैं अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए। और यदि आपने हवन माना है तो हवन भी यहाँ पर करा सकते हैं, और चुन्नी बांधकर अपनी मनोकामना भी माँ से मांग सकते हैं। साथ ही यहाँ पर भंडारा का भी आयोजन होता है, यदि आपको भंडारा खिलाना है तो भंडारा भवन में जाकर के भंडारा भी खिला सकते हैं या खा भी सकते हैं। आइए दोस्तों, ले चलते हैं यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति के पास, जो कि बीच पानी में बनी हुई है। तो आइए चलते हैं शंकर जी के दर्शन के लिए। देख सकते हैं यह नज़ारा बहुत ही अद्भुत है, और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मन्नत मांगते हैं। और शंकर जी की इतनी बड़ी मूर्ति आसपास के किसी भी मंदिरों में आपको देखने को नहीं मिलेगी, जितनी बड़ी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। और ये बहुत ज़्यादा प्राचीन है, मैंने आप सभी को बताया लगभग 300 साल पुराना मंदिर है। तो देख सकते हैं शंकर जी के पास कितने भक्तजन भीड़ लगाए हुए हैं।
आप सब भी शंकर जी के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बारी आई थी थोड़ा सा मेला घूमने की, और मेला घूमते घूमते मैंने देखा यहाँ बहुत सारे खिलौने लगे हुए हैं, घर का सामान है, आपको जो भी लेना है एक्स वाई जेड यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, घर का सामान, कढ़ाई, कंछुल, कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। साथ में ही बगल में पंचमुखी हनुमान जी का भी मंदिर बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। आप सभी को बता दें दोस्तों, माँ चंद्रिका देवी का मंदिर गोमती नदी के किनारे स्थित है, इसलिए मैं एक नज़ारा आपको गोमती नदी का भी दिखा रही हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, मैं गोमती नदी के पुल पर खड़ी हूँ जो कि माँ चंद्रिका देवी मंदिर के बिल्कुल बगल में स्थित है। आप सभी को इस वीडियो के एंड में एक बार मैं फिर से लोकेशन बता रही हूँ ताकि आप सब आसानी से पहुँच सकें। फ्रेंड्स, यह मंदिर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, लखनऊ के बक्सी तालाब बिकेटी के पास से इसका रास्ता जाता है। अगर मैं हाईवे की बात करूँ तो लखनऊ सीतापुर रोड है। इसके साथ ही बात करूँ अगर लखनऊ के मेन शहर चारबाग से यहाँ तक की दूरी तो तकरीबन 30 किलोमीटर पड़ेगी, और इसी के साथ हवाई अड्डे से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर पड़ेगी। तो एक बार आप विजिट ज़रूर करिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ज़्यादा मान्यता वाला मंदिर है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो एक बार यदि आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। सो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैंने मंदिर का पूरा दर्शन आप सभी लोगों को कराया है। बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। आप सभी को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और नई जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लेस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।